नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाइल्ड लाइफ फैक्ट्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं लंका की पटरानी मंदोदरी के बारे में। मंदोदरी एक अप्सरा की बेटी थी, इसीलिए बहुत सुंदर और आकर्षक थी। उसका रूप इतना खूबसूरत था कि स्वयं हनुमान जी भी भ्रमित हो गए थे कि कहीं यही सीता माता तो नहीं है। मंदोदरी के बारे में जो कथा मिलती है उसके अनुसार यह हेमा नाम की अप्सरा की बेटी थी। हेमा देवराज इंद्र की सभा की अप्सरा थी। एक बार कश्यप ऋषि के पुत्र मायासुर की नजर हेमा पर गई और वह हेमा से इतना मोहित हो गया कि उसने हेमा के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। विवाह के पश्चात हेमा और मायासुर ने एक पुत्री को जन्म दिया जो मंदोदरी कहलाई। एक रामायण के अनुसार रावण की मृत्यु का कारण भी मंदोदरी को ही बताया जाता है। बात यह है कि रावण की मृत्यु एक खास बाण से हो सकती थी जिसकी जानकारी सिर्फ रावण और मंदोदरी को ही थी। विभीषण ने जब ये बात बताई तो हनुमान जी ने बड़ी ही चतुरता से एक ज्योतिषाचार्य का रूप ले लिया और रावण का भविष्य बताने के बहाने मंदोदरी से मिलने चले गए। हनुमान जी ने अपनी वाक्पटुता से मंदोदरी से बाण का पता उगलवा लिया और उस बाण को लाकर श्री राम को दे दिया, जिससे रावण का वध करने में सफलता मिली। मंदोदरी से जुड़ी एक और रोचक कथा ये है कि मधुरा नामक एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर पहुंची और देवी पार्वती को वहां ना पाकर भगवान शिव को आकर्षित करने का प्रयत्न करने लगी। तभी देवी पार्वती वहां पहुंचती हैं और क्रोध में आकर इस अप्सरा को श्राप दिया कि वह 12 साल तक मेढक बनकर कुएं में रहेगी। अप्सरा ने बार बार माता पार्वती से क्षमा मांगी तो माता ने कहा कि कठोर तप के बाद ही वह अपने असल रूप में वापस आ पाएगी। मधुरा लंबे समय तक कठोर तप करती रही। इसी दौरान मायासुर और उनकी अप्सरा पत्नी हेमा एक पुत्री की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे होते हैं और मधुरा अपनी कठोर तपस्या से श्राप मुक्त हो जाती है एवं मायासुर और हेमा के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेती है। मायासुर अपनी पुत्री का नाम मंदोदरी रखते हैं, जिससे रावण बाद में विवाह करता है। ये थी रावण की पत्नी मंदोदरी की कुछ अनसुनी बातें। अगर आपको कोई और जानकारी मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल की वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि कल आ रहे हैं रामायण के एक ऐसे पात्र जो पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं, सबके संकट हरने वाले संकट मोचन हनुमान। तो कल की वीडियो मिस मत करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।